देखो भाई बोर मत होना, थोड़ा लंबा टाइम लैप्स बनाया था मैंने ताकि आप लोग एंगेज रहो ना, और मेरा चेहरा आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहरहाल लाहौर में ये वाला दिन मेरा इजाफी है क्योंकि आज के मेरे टिकट हो जाने थे लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं आज नहीं वापसी के लिए जा सका, इसलिए मैं कल के दिन रवाना होऊंगा यहाँ से। तो ये लास्ट डे लाहौर का और ये है सरप्राइज डे ना, सरप्राइज के अलावा इसको हम कह लेते हैं बाय वन गेट वन नहीं भाई, समझ लेंगे ये बहुत एक एक्साइटेड मूवमेंट है क्योंकि एक दिन मजीद मिल गया है। तो इस एक दिन के मिलने पर जो है हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसको भी इंगेज कर लें अपने साथ और कवर कर लें कुछ व्लॉग्स और कुछ यादें अपनी लाहौर की। तो मुझे निकलना था दूध लेने के लिए, पैदल पैदल जाना था, लेकिन कुछ सीन जो है हमारा ऐसा बना कि हम जो है वो गाड़ी के अंदर आए हैं और हमें हमारे जो यहाँ के जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, मेरे मेहमान नहीं बल्कि मैं उनका मेहमान हूँ सॉरी, तो वो मुझे लेकर आए हैं चौधरी के नाम से, ये चौधरी है ना यार, ये आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो शायद ये आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम खाने आए यहाँ पर हम। ओहो सुपर बाइक खड़ी है मेरे पीछे, देखी नहीं देखी, हाँ इसको कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। तो आइसक्रीम के साथ हैवी बाइक फ्री। सर कैमरा लाओ अंदर, मास्क नहीं मेरे पास, उनके पास भी नहीं जो दो अंदर है। तो मैं जाऊं जो आप लोग अपने लिए ले रहे हो ना वही मेरे लिए ले लो, दैट्स अ सिंपल वे, जो खुद खा रहे हो वही दूसरे को खिलाओ है ना, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद वो दूसरे के लिए भी ना पसंद, ये हदीस का मफहूम भी है। क्या कह रहा था मैं, हाँ तो ये लास्ट डे है और लास्ट डे को भी हमने कैच करना है पूरी तरह से। एक तो ब्लॉग करते हुए जो ना पूरे से अल्फाज मुंह पे नहीं आ रहे थे, पता नहीं ये मेरा मसला है कि ब्लॉग का मसला है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ऑर्डर भरा एक जी, नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने, जस्ट चौधरी लिखा हुआ है। अच्छा चौधरी में हमारे यहाँ दाल आता है, यहाँ पे दाल है चौडेरी। ये आप इनकी तजवीज ठीक करवाने आए हैं, देखो मेरा मुंह जो है ना टेढ़ा हो जाए और कुछ गलत अल्फाज निकल जाए, इससे बेहतर है कि मैं उसको प्रोनाउंस ना करूँ। चौडेरी है ये पता नहीं कैसा नाम है, इसको बीच में ले लो खुद बढ़ लेंगे। हाँ हाँ मैंने यही कहा है, आप लड़ाई ये मैं चुप हो रहा हूँ अभी ना, चुप मैं बोलूंगा मसला आप अपनी तस्वीर कर जाके मैं चुप हो रहा हूँ बस चुप। आज मैं थोड़ा लाहौर में बाहर निकला था तो यहाँ का ट्रैफिक वगैरह भी देखा मैंने, अभी एक सोसाइटी में घूम घूम के जो है ना मैं सोच रहा था पूरा लाहौर ही वैसा होगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर कराची की तरह है ना, मतलब जैसा मैंने कहा था कि ये मुझे कराची की तरह लगता है, तो वाकई इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कराची से मैच होती हैं। यहाँ का ट्रैफिक भी वैसा ही है और ये सुपर बाइक वाला बहुत शोर मचा रहा है ना, इसको पता नहीं है कि ब्लॉगर की खैर, अल्लाह ताला इसको मजीद रिस्क दे और मजीद सुपर बाइक्स दे, आमीन। तो अंदरून लाहौर और ये मॉडर्न लाहौर, इसमें फ़र्क है,
जैसे हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो लतीफ़ाबाद वाले हैदराबाद को अलग शुमार करते हैं और लतीफ़ाबाद को अलग शुमार करते हैं। तो अगर कहा जाए हैदराबाद अंदरून हैदराबाद है और लतीफ़ाबाद जो है वो डेवलप्ड हैदराबाद है। कुछ ऐसी सिमिलरिटी है इन दोनों की जो मैंने जानी। ये गलत भी हो सकती है, इसको सीरियस ना लीजिएगा। तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें और तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर से रुजू करें। हमारी आइसक्रीम जो है शायद आ गई होगी और मैं जिनके साथ आया उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा। मैं यहीं पे टहल लगा रहा था और देख रहा था कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे सामने एक बिल्डिंग है स्टेट बैंक जैसी, जैसा हमारा हैदराबाद का स्टेट बैंक है, लेकिन ये शायद कोई होटल है तोपास के नाम से। आइसक्रीम हमारी आ चुकी है और आइसक्रीम खाते हैं और फिर ब्लॉग का करते हैं। और ये अल मजीद टायर के नाम से एक शॉप है, ये भी देख लो। अच्छा तो गई, कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम पे था। दिस इज चौ डेयरी। सर इसका नाम सही प्रोनाउंस क्या होगा? सर चौ डेयरी। चौ डेयरी? यस सर। ये चौ डेयरी है, चौधरी नहीं है, मैं गलत था। अब नाम के प्रोनाउंस करने का झगड़ा हुआ ख़त्म। आइसक्रीम मेरे हाथ में है और मैं इसे ट्राई करके फिर बताता हूँ। जब से आया हूँ ना फूड रिव्यू चल रहे हैं, बस मैं फूड रिव्यूअर बन गया हूँ, मैं फूड व्लॉगर बन गया हूँ। सो दिस इज अ चौ डेयरी आइसक्रीम। इसमें बनाना भी मिक्स है। ये बनाना वेफर और उससे मिलाया हुआ फ्लेवर्ड है। अच्छी आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम खाता हूँ मैं, आप करें एंजॉय। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। ब्लॉगर कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है वो, कभी भी बंद नहीं होता, उस पर लॉकडाउन भी नहीं लग सकता।